अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं मुस्लिम उम्र। सभी मुस्लिम भाइयों को हमारी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान का मुबारक महीना हर मुस्लिम के लिए बख्शिश की खुशखबरी लेके आता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को दोजख से बचने के लिए ढाल और किला बताया है। इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम को ताला लगा दिया जाता है और इब्लीस और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह वह महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत, बीच का हिस्सा मगफिरत और आखिरी हिस्सा निजात यानी कि जहन्नम से आज़ादी का है। रमज़ान की फजीलत यह है कि अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जिससे कि मुसलमानों को गरीब और तंगदस्ती में और भूख प्यास से विलपते इंसानों के दर्द व गम का एहसास हो, लोगों के साथ अच्छा अमल इख्तियार करें, बुरे अमल को छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ और बुरा अमल नहीं छोड़ता तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो शख्स अपना खाना पीना छोड़े। माह रमज़ान की फजीलत ये भी है कि इसमें नेकियों का अजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकी इस महीने में जमा कर लेनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से मारवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में रोज़े रखे ईमान यकीन के साथ उसकी पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक बार अल्लाह के नबी बैठे थे और उन्होंने 3 बार आमीन कहा तो सहाबा ने मालूम किया कि आपने किस बात पर आमीन कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील ने दुआ की कि वो शख्स हलाक हो गए जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन आमीन यानी कबूल हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह यानी अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाले कभी भी महरूम नहीं रहते। रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हर रोज़ हर वक्त हर पल इबादत होती है, जैसे कि रोज़ा इबादत, इफ्तार इबादत और इफ्तार के बाद तरावी भी इबादत, तरावी पढ़कर सहरी के इंतज़ार में सोना इबादत, गर्ज की हर पल खुदा की शान नज़र आती है। और कुरान शरीफ में ही सिर्फ रमज़ान शरीफ का नाम लेकर इसकी फजीलत बयान की गई है। रमज़ान के अलावा और किसी महीने को इतनी नेमत नहीं बख्शी गई है। हम गौर करें कितनी बड़ी रमज़ान की फजीलत है ये सब। रमज़ान की फजीलत ये भी है कि इसमें एक रात शबे कद्र है जो हज़ार महीनों की महीने से अफजल है। आपको मालूम होगा पहले की उम्मत के लोगों की उम्र कई सौ साल होती थी, 200-400 साल तक होती थी, तो इस पर सहाबा सोचा करते थे हम तो इबादत में पीछे रह जाएंगे पहले की उम्मतों से, तो अल्लाह ने इस उम्मत को सबे कद्र अता की जो हज़ार महीनों से अफजल है। अल्लाह पाक ने रमज़ान के महीने में बेशुमार नेमतें अता फरमाई। ढेर सारी रमज़ान की फजीलत हदीसों में मिलती है, जैसे कि रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है। और एक फ़र्ज की अहमियत यह है कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी नफली इबादत करता रहे तो वो एक फ़र्ज के बराबर नहीं हो सकती, सुभान अल्लाह। और रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के वक्त अल्लाह पहले आसमान पर आता है और बंदे की दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, सुभान अल्लाह।